दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सीबीडी में स्टोन, यानी कि बाइल डक्ट में स्टोन। दोस्तों जिस प्रकार हमारे गॉल ब्लैडर में पथरियां बन जाती हैं, उसी प्रकार हमारे बाइल डक्ट में भी स्टोन्स हो जाता है। यू पेशेंट से अगला सवाल होता है, सर मेरी पथरी का साइज क्या है, कितनी बड़ी स्टोन का साइज होता है? 3, 4, 5 mm की पथरियों की संभावना ज्यादा होती है, वो यहाँ पास हो गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सीबीडी में स्टोन, यानी कि बाइल डक्ट में स्टोन, या अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोला जाए तो कोलेडोकोलिथियासिस के बारे में। तो आइए दोस्तों पहले समझते हैं कि ये सीबीडी क्या होती है। तो दोस्तों जो हम लोग का लिवर होता है, ये बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये इस बाइल डक्ट के, पहले तो बाइल डक्ट बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड होती है, फिर ये जुड़ती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड की बाइल डक्ट आपस में जुड़ के एक कॉमन बाइल डक्ट बना देती हैं। तो दोस्तों इसी डक्ट में के अंदर, ये महीन सी डक्ट होती है, 4 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, यानी कि 1 सेंटीमीटर से छोटी होती है। तो इसका काम होता है, इसमें जो बाइल प्रोड्यूस होता है ये छोटी आंत में पहुंचा देना, और यहाँ पे ताकि जो एंजाइम्स हैं खाने को डाइजेस्ट कर सके। यही एक्स्ट्रा बाइल बन के हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर इसलिए कहते हैं, गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराने से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये तो जो एंजाइम्स हैं ये तो बस स्टोर करता है, बस जरूरत पड़ने पे रिलीज कर देता है, और हमारा लिवर हमेशा ये एंजाइम्स बनाता रहता है, तो एज पर नीड ये भी रिलीज कर देता है। तो गॉल ब्लैडर का बहुत ज्यादा रोल सिर्फ स्टोरेज में होता है, उसके अलावा और कोई रोल नहीं होता। दोस्तों जिस प्रकार हमारे गॉल ब्लैडर में पथरियां बन जाती हैं, उसी प्रकार हमारे बाइल डक्ट में भी स्टोन्स हो जाता है। यूजुअली जो स्टोन्स होते हैं, गॉल ब्लैडर का ही स्टोन पास आउट हो जाता है, और वो जाके छोटा सा स्टोन जाके इसमें रुकावट कर देता है। तो दोस्तों ये बाइल डक्ट का रोल था, और ये सीबीडी में स्टोन का इस तरह से प्रक्रिया हो जाती है, ऐसे डेवलप हो जाता है और ये समस्या पैदा कर देता है। तो दोस्तों अमूमन जब अल्ट्रासाउंड होता है तो गॉल ब्लैडर में, यानी कि पित्त नाली में पथरी पता चलती है, तो पेशेंट से अगला सवाल होता है, सर मेरी पथरी का साइज क्या है, कितनी बड़ी स्टोन का साइज होता है? दोस्तों तो साइज कम होना, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर यहाँ स्टोन का साइज अगर बहुत बड़ा स्टोन है तो वो बाइल डक्ट में पास नहीं हो पाएगा, और अगर छोटा साइज है, अगर मान लीजिए 3, 4, 5 mm का साइज है, तो वो पतली सी डक्ट से पास हो जाएगा और कॉमन बाइल डक्ट में चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आप बोलें कि पित्त की पथरी हो, यानी गॉल ब्लैडर की पथरी हो, तो उसका इलाज ज्यादा आसान है कि बाइल डक्ट की पथरी हो तो उसका इलाज ज्यादा आसान है? दोस्तों एनी डे अगर आपके पित्ताशय में पथरी है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, तो बहुत आसानी से इलाज हो जाएगा। और सीबीडी में पथरी, जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, सीबीडी या बाइल डक्ट में पथरी या कोलेडोकोलिथियासिस का होना, उसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल होता है। इलाज है, आसानी से हो जाएगा, बट ये इससे थोड़ा बड़ी समस्या है। तो ये जो सवाल है कि पथरी छोटी हो रही है कि नहीं, बड़ी है पथरी, छोटी है पथरी, तो ये सवाल बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि जो छोटी पथरी है, 3, 4, 5 mm की पथरियों की संभावना ज्यादा होती है, वो यहाँ पास हो गई और वो यहाँ इकट्ठी हो गई, और उसने पूरा हमारे लिवर में स्वेलिंग कर दी, हमारी बाइल डक्ट को फैला दिया, चौड़ा कर दिया, और हमको पीलिया हो जाता है, क्योंकि ये जो सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं जो निकल रहे होते हैं, वो नहीं निकल पाएंगे, लिवर से निकल रहे होते हैं, वो लिवर में ही फिर फैलने लगते हैं, तो उसमें लिवर का भी इन्फेक्शन हो जाता है, और ये तो होता ही है। और दोस्तों एक और समस्या होती है, यहाँ पर पैनक्रियाज होता है, ये छोटी आंत होती है, सारा जो एंजाइम्स होते हैं जाके छोटी आंत में चली जाती है, और यहाँ पे पैनक्रियाज कई बार, और सबसे ज्यादा कॉमन होता है कि एकदम निचले बाइल डक्ट के एकदम निचले हिस्से में स्टोन फंस जाता है, तो साथ ही साथ वो हमारे पेनक्रियास को भी इन्फ्लेमेशन कर देता है। पेनक्रियास में भी बहुत ज्यादा, बहुत एंजाइम्स रिच होती हैं, ऐसी एंजाइम होती हैं जो हमारे शरीर को ही डिजोल्व कर दें, तो ऐसी बहुत समस्या, बहुत सीरियस कंडीशन होती है पेनक्रियाटाइटिस की, जो ये कर देता है, जो इससे बड़ी समस्या है। तो जी अगर बड़ी पथरी है तो ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है, छोटी पथरी है तो ज्यादा आप घबराइए, तो ये सवाल ज्यादा रेलेवेंट नहीं है कि पथरी बड़ी हो रही है कि छोटी हो रही है। छोटी पथरी मैं दिखा रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी ज्यादा समस्या, ज्यादा हानिकारक हो सकती है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा 3D रिप्रेजेंटेशन है, ये गॉल ब्लैडर है, तो ये देखिए बड़े पथरी तो यहाँ है ही नहीं, जा पाएंगे यहाँ से, रास्ता थोड़ा नैरो है, और जो छोटी छोटी पथरियां वो यहाँ चली गई हैं, यहाँ ये छोटी आंत जो मैं बता रहा था नीचे, यहाँ पैनक्रियाज रहेगा, और वो ऊपर जाके बाइल डक्ट को डायलिटेशन कर देते हैं, जिसको मेडिकल भाषा आपके रिपोर्ट में भी हो सकता आएगा, IHBR डायलिटेशन, IHBR डायलिटेशन, IHBRD, यानी कि इंट्रा हेपेटिक, यानी लिवर के अंदर की जो बाइल डक्ट है वो डायलिट हो जाती है, उसमें ऐसी स्थिति में जॉन्डिस हो जाता है। दोस्तों ये इमेज है, ये लिवर के अंदर की डक्टें हैं जो डायलिट हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, MRI की इमेज है।
ये कई सारी पथरियां पड़ी हैं इनके गॉल ब्लैडर सीबीडी में, कॉमन बाइल डक्ट में, सीबीडी यानी कि कॉमन बाइल डक्ट में बहुत सारी पथरियां पड़ी हैं और इसने जॉन्डिस कर दिया है पेशेंट को। तो दोस्तों कॉम्प्लिकेशन में बता ही रहा था कि क्या क्या हो सकती हैं। अगर आपकी सीबीडी में पथरी है तो जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाएगा, बहुत कॉमन कारण है पीलिया का, और आपका लिवर बाइल अंदर की जो लिवर के अंदर की जो बाइल डक्ट्स है उनका इन्फेक्शन हो जाएगा। इससे बहुत तेज बुखार आता है, जाड़ा लग के बुखार आता है, सेप्टिसीमिया की स्थिति हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कोलिनजाइटिस, ये स्थिति पैदा हो जाएगी। और साथ ही साथ जो मैं अभी बता रहा था पेनक्रेटाइटिस यानी कि पेनक्रियास के जो एंजाइम्स होते हैं वो फैल जाएंगी। ये थोड़ा सा थोड़ा क्या, ये सीरियस कंडीशन, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग, इतनी सीरियस हो सकती है कि आपकी जिंदगी से भी समस्या आ सकती है। और इसमें इसका एडमिशन लाइव जो आपका एडमिशन आवर्स होंगे, एडमिशन डेज होंगे सॉरी, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लोग एक एक महीने तक इस समस्या से पीड़ित होकर एडमिटेड रहते हैं। तो इसलिए सीबीडी में जो स्टोन होता है उसका इलाज सही समय पे कर देना जरूरी होता है, क्योंकि पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग भी ये कंडीशन हो जाती है। घबराएं भी नहीं कि अब आज हो गया तो एकदम कुछ तुरंत इमिडिएटली मुझे लाइफ को समस्या, ऐसा नहीं है। बट उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, उसको जैसा कि आपका डॉक्टर बताए उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपकी सीबीडी में बाइल डक्ट में पथरी है तो क्या ब्लड टेस्ट कराएं दोस्तों? एलएफटी में पता चल जाएगा जॉन्डिस है, कितना जॉन्डिस है, लिवर के एंजाइम्स कितनी बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है, कम बढ़ी है, सबका आईडी लग जाएगा। सीबीसी में सेप्सिस, जो मैं कोलेंजाइटिस बता रहा था, सेप्सिस कितना हो रहा है आपको, बहुत ज्यादा सेप्टिसीमिया तो नहीं हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों अगर बात करें अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर की जो पथरी होती है वो तो बहुत आसानी से दिख जाती है, बट बाइल डक्ट की पथरी कई बार दिख जाती है, प्लस माइनस कई बार हो सकता है ना भी दिखे, बट बाइल डक्ट की सूजन यूजुअली अल्ट्रासाउंड में दिखने लगती है। तो दोस्तों अगर एक इन्वेस्टिगेशन बोला जाए, अगर आपकी बाइल डक्ट में सूजन है या पीलिया हो गया है, और अगर मेरे से पूछा जाए एक कोई ऐसी जांच करा लिया जाए जो पूरा आइडिया दे दे कि क्या समस्या है, तो दोस्तों वो एमआरआई की जांच है, और उसमें भी स्पेसिफिक एमआरसीपी की जांच है। दोस्तों इस एमआरसीपी के टेस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे एक एजुकेशनल वीडियो बना चुका हूँ एमआरसी के बारे में। कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होता है तो सीटी स्कैन भी एडवाइस कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर बाइल डक्ट में स्टोन है तो सीटी में भी कई बार या ज्यादातर केसेस में स्टोन जो है नहीं पिक होता है, आपको सिर्फ बाइल डक्ट में स्वेलिंग दिख जाएगी, बट स्वेलिंग अगर स्टोन की वजह से है तो वो एमआरआई में ही पता चलता है, एमआरसीपी में ही पता चलता है। तो सीटी का रोल बहुत ज्यादा कम है, अगर एमआरआई नहीं हो पा रहा है, कुछ परिस्थितियां होती है एमआरसीपी नहीं हो पा रहा है तो ही रोल रहता है, वैसे इसका रोल ना के बराबर समझिए। अगर एक टेस्ट कराना है तो आप सबसे पहले एमआरसीपी का ही टेस्ट कराएं, और यूजुअली चांसेस हैं कि आपका डायग्नोसिस बन जाएगा। और क्या नेक्स्ट किस प्रकार से इलाज किया जाए, पथरी का साइज क्या है, कहाँ पर है, क्या लोकेशन है, किस तरह से उसको अप्रोच किया जाए, सर्जरी से किया जाए या ईआरसीपी के माध्यम से किया जाए इलाज उसका, तो उसके बारे में सारी नॉलेज आपको, इन्फॉर्मेशन इस टेस्ट के माध्यम से मिल जाएगी। दूसरे ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ईआरसीपी, ऑलरेडी मैं हमारे इस चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ ईआरसीपी के बारे में। ईआरसीपी से दोस्तों अगर स्टोन छोटा होता है तो बहुत आसानी से ईआरसीपी के माध्यम से निकाल लिया जाता है, इसमें कोई पेट वेट का सर्जरी नहीं होती है, मुंह के माध्यम से, एंडोस्कोप के माध्यम से आपका जो पथरी होता है, स्टोन जो होता है, सीबीडी में निकाल लिया जाता है। पर दोस्तों अगर पथरी बड़ी होती है तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, सर्जरी यानी कि सीबीडी को ओपन करके उसके अंदर जो स्टोन होता है उसको निकाल के फिर सीबीडी को सिल दिया जाएगा और स्टोन निकाल दिया जाएगा। तो ये दोस्तों ट्रीटमेंट ऑप्शन है छोटी पथरी में ईआरसीपी, और अगर बहुत ज्यादा है फेल्ड ईआरसीपी, कई बार ईआरसीपी ट्राई किया जाता है पथरी नहीं निकल पाती है, स्टेंट डाल दिया जाता है, स्वेलिंग कम कर दी जाती है, उसके बाद आप सर्जरी करा सकते हैं, तो जैसा कि आपको डॉक्टर गाइड करे। ईआरसीपी दोस्तों गैस्ट्रो डीएम गैस्ट्रो डॉक्टर करता है, और सर्जरी एमसीएच जनरल सर्जन भी कर सकता है, और एमसीएच यानी कि गैस्ट्रो सर्जन, जो एमसीएच गैस्ट्रो सर्जन होते हैं वो ये करेंगे, और ये डीएम गैस्ट्रो के जो डॉक्टर होंगे वो ये करेंगे। पहले ये ट्राई किया जाए, बट अगर साइज बहुत बड़ा है तो सीधे ये भी ट्राई किया जा सकता है। आई होप दोस्तों सीबीडी में स्टोन के बारे में जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं दिमाग में, जो आप डॉक्टर से पूछते हैं, कई बार बहुत सारे सवाल रह जाते हैं, आप पूछ नहीं पाते, कुछ आपके दिमाग में कंफ्यूजन रह जाता है, तो वो सारे आई होप मैंने एड्रेस कर दिया हमारे इस वीडियो में। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, किसी अपने रिलेटिव को जिसको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी।